लानू जी, इतनी उम्र हो गई लेकिन इतनी सर्दी पड़ते मैंने गांव में कभी नहीं देखी। हाथ ठंड के मारे कांप रहे हैं, बिल्कुल कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ अपने हाथों से, इतनी ठंड है। अच्छा लालू जी, आप ही बताओ, इतनी ठंड पड़ते आपने कभी देखी? और ये कैसी हल्की आग जला रहे हो, आग को तेज करो, ठंड भागी नहीं रही है बिल्कुल। अरे क्या बात करते हो मोदी जी, आप भी ठंड के कोई पैर हैं जो भागेगी? आपको शायद ध्यान नहीं है मोदी जी, इतनी ठंड एक बार और पड़ चुकी है 1990 के दशक में। उस टाइम पे एक हफ्ते की बड़ा कड़ाके की ठंड पड़ी थी, लोग आग के पास बैठे रहते थे। नहीं लालू जी, इतनी ठंड फिर भी नहीं पड़ी होगी उस टाइम पे जितनी ठंड इस टाइम पे पड़ रही है। देख रहे हो, पूरा हफ्ता होने को जा रहा है, मैं मजदूरी करने के लिए नहीं गया हूँ, आग के पास यूं ही बैठा रहता हूँ। अरे अखिलेश कहाँ घुसे जा रहे हो बीच में, थोड़ा हटके कुना बैठो उधर को योगी जी की तरफ, उधर काफी जगह है। अरे राहुल, पूरे चार आदमियों की जगह घेर के बैठे हो और मुझसे कह रहे हो कि हट के बैठो। आग के पास बैठे बैठे भी वक्त नहीं कटता है क्योंकि ठंड में कोई काम हो नहीं पा रहा है, क्या करा जाए। अरे मोदी जी, अखिलेश बिल्कुल सही कह रहा है, कोई कहानी या पहेलियां को ना सुनाओ, बड़ा मजा आता है जब आप पहेली पूछते हैं और हम जवाब देते हैं। चलो कोई बात नहीं है, टाइम तो वैसे भी नहीं कट रहा है, पूरा दिन आग के पास बैठ के गुजारना है। एक पहेली पूछता हूँ, सब लोगों से जवाब दो। पूछो मोदी जी, पूछो, जल्दी पूछो, मैं जवाब दूंगा इस बार। ऐसी कौन सी चीज है जिसे आदमी खाने के लिए खरीदता है लेकिन उस चीज को वो खुद खा नहीं पाता? अरे इस पहेली का जवाब तो बहुत ही आसान है लालू जी, तुम जवाब मत दो, मैं देता हूँ। वो चीज करेला है, करेला जिसे मैं खाने के लिए तो खरीदता हूँ लेकिन घर जाके मैं उसे खा नहीं पाता। अखिलेश कैसा बेतुका जवाब देती हो, अरे तुम करेला नहीं खा पाते हो, दूसरे लोग तो खाते होंगे। मैंने तुमसे पूछा उस चीज का नाम बताओ जिसे आदमी खाने के लिए खरीदता है लेकिन खा ही नहीं पाता। मेरे बिल्कुल दिमाग में नाम है लेकिन जवान पे नहीं आ पा रहा है, ऐसी कौन सी चीज है? अरे योगी जी आप ही बताओ। अरे ऐसी कोई चीज मेरे दिमाग में नहीं आ रही है लालू जी, राहुल से पूछो, राहुल से। अरे ऐसी कौन सी चीज है क्या बताऊं, दिमाग में आ ही नहीं रही है। चलो मोदी जी, हम हारे तुम जीते, तुम ही बता दो। अरे भाई ऐसी चीज चम्मच और प्लेट है जिसे आदमी खाने के लिए खरीदता है लेकिन उसे खा नहीं पाता है। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अखिलेश रोज आकर अपने खेत पर क्यों बैठ जाती हूँ, तुम्हारे खेत में चटके ही चटके पड़े हैं। कोई कह देगा पिछले साल इसमें लहराती हुई फसल थी हरी भरी, पूरे 6 महीने होने को जा रहे हैं, अपने गांव में पानी की एक बूंद नहीं बरसी है, बहुत भयंकर सूखा पड़ा है अपने गांव में। क्या करूं मोदी जी, आकर अपने खेत पर बैठ जाता हूं, सोचता हूं कहीं से थोड़ा बादल का टुकड़ा आ जाए और अपने गांव पर बरस जाए, फिर से फसलें लहराने लगे। कितनी तेज धूप है, दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं है। तुम चिंता मत करो, बारिश होगी, जल्द बारिश होगी। अरे मोदी जी कब बारिश होगी, सब लोग गांव छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ गांव छोड़ के चला जाऊँ। सोच तो मैं भी रहा हूँ गांव छोड़ के चला जाऊँ, और जैसी सूखा खत्म हो जाए तभी दोबारा इस गांव में वापस आ जाएंगे, लेकिन जाने का कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, किस चीज से जाया जाए। वैसे एक बात बताऊं मोदी जी, राहुल ने एक ऊंट खरीदा है और वो ऊंट पर गांव के लोगों को इस गांव से दूसरे गांव पहुंचा रहा है, जहां पर सूखा नहीं है उस गांव में पहुंचा रहा है। ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, वो समाज सेवा कर रहा है वो तो। चलो उसी के साथ चलेंगे अपना, उसी से बात करेंगे। अरे समाज सेवा क्या कर रहा है, बहुत तगड़ा किराया वसूल कर रहा है अपने ऊंट से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। अरे वो देखो, राहुल का नाम लिया, राहुल आ भी गया, योगी जी को दूसरी जगह लेके जा रहा है वो। अरे राहुल रुकना जरा, अपने ऊंट को यहीं रोको। बोलो मोदी जी क्या बात है। अरे मैं और अखिलेश भी इस गांव से दूसरे गांव में जाने की सोच रहे हैं, जब सूखा खत्म हो जाएगा वापस इसी गांव में आ जाएंगे। बोलो क्या भाड़ा लोगे हमसे, और हमें पहुंचा दो दूसरे गांव। अरे मोदी जी क्या तुम इसे चाय बनाना समझ रहे हो, कि चाय पत्ती दूध डाला और चाय तैयार? मतलब आपने कह दिया कि लेके चलो तो मैं लेके चल दूंगा। अरे आपसे पहले अभी 700 लोगों को जाना है, गांव के 700 लोगों की एडवांस बुकिंग है मेरे पास, और एक आदमी से मैं 500 रुपए किराया लेता हूँ, और दिन भर में 10 आदमी पहुंचा पाता हूँ एक गांव से दूसरे गांव अपने ऊंट से। अरे तो ऐसे तो हमारा नंबर 2 महीने बाद आएगा। अरे मोदी जी इस राहुल के चक्कर में मत पड़ना, पूरे 2 महीने पहले मैंने इससे जाने को बोला था, आज ये मुझे ले जा रहा है दूसरे गांव, इससे तो आप पैदल ही चले जाओ तो बढ़िया है। इस राहुल ने इस सूखे में अपने ऊंट के किराए से कम लाखों रुपए कमा लिए। भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। लो योगी जी और अखिलेश, मैं तुम्हारी कपास 3000 रुपए क्विंटल के हिसाब से खरीद रहा हूँ, इतनी महंगी कोई नहीं खरीदता तुमसे मंडी में। लो ये पैसे लो।
अरे महंगी नहीं खरीदते मोदी जी, कैसी बात करते हो? वक्त वक्त की बात है, आज मंडी में कपास का कोई खरीदार नहीं आया। अब तुम अकेले खरीदार हो, अपनी मनमौजी पैसे में खरीद रहे हो। 3,000 के दाम तो बहुत कम है मेरी कपास के लिए, लेकिन क्या करूं, बेचना पड़ रहा है, कोई खरीदार नहीं है। अरे योगी जी, खरीदार है क्यों नहीं, मैं आ गया कपास खरीदने के लिए। अभी रुको, मोदी जी के पैसे वापस करो। ये तुमसे 3,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से कपास खरीद रहे हैं, मैं 3,500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदता हूँ तुम्हारी कपास। लो मोदी जी, अपने पैसे वापस करो। अरे अभी तक कपास का कोई दूसरा खरीदार नहीं था, तुम तो फ्री भाव में हमसे कपास खरीद रहे थे 3,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। अब देखो, लालू जी ने 3,500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दाम लगा दिए, हम उन्हीं को बेचेंगे। लालू जी, अच्छे खासे सस्ते भाव में कपास मिल रही थी, तुमने आगे टांग अड़ा दी अपनी। अब तुम भी ऐसे कैसे खरीद सकती हो, अब तो बोली लगेगी, जो ऊंची में ऊंची बोली लगाएगा कपास उसकी होगी। हम भी लालू जी कहां पीछे हटने वाले हैं, आ जाओ राहुल, आके बोली लगवाओ। 3,800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से कपास मैं खरीदता हूँ। अब आएगा मजा, आप बोली में पता चलेगा कौन किस पर भारी पड़ता है। 3,800 रुपए मोदी जी की तरफ से, 3,800 रुपए एक, 3,800 रुपए दो। रुको रुको राहुल, इतनी आफत क्यों मचा रहे हो, तुम तो एकदम मोदी जी को कपास देना चाहती हो। 4,000 रुपए प्रति क्विंटल, 4,500 रुपए प्रति क्विंटल, 5,000 रुपए प्रति क्विंटल, 6,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से कपास मेरी हुई। ऐसे कैसे हुई, अभी हमारी बोली चालू है, 7,000 रुपए प्रति क्विंटल। तो लालू जी, हम भी कौन से पीछे हटने वाले हैं, 9,000 रुपए प्रति क्विंटल। जबरदस्त बोली की जंग देखने को मिल रही है लालू जी और मोदी जी की तरफ से, कोई भी एक दूसरे से हार मानने को तैयार नहीं है। पूरे 10,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मैं खरीदता हूँ, 20,000 रुपए प्रति क्विंटल कपास मेरी हुई मोदी जी की तरफ से, 20,000 रुपए प्रति क्विंटल कपास की बोली। अरे बोलो लालू जी, आगे बोलो, अरे बोलो। अब मैं इससे ऊपर बोली नहीं लगाऊंगा। अरे लालू जी, आपके आने से बहुत फायदा हो गया, पहले मोदी जी जिस कपास को 3,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद रहे थे बोली के बाद, अब वो ही कपास 20,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद रहे हैं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अच्छा मोदी जी, ये बताओ, आपने जेवर की ज्वेलरी की दुकान रोड पर क्यों खोली है? ज्वेलरी और जेवर तो अंदर मार्केट में बिकता है, कस्बे में, शहर में, गांव में, बिल्कुल बीच मार्केट में। और एक बात का ध्यान रखना, मैं पहली बार आपसे पार्टनरशिप कर रहा हूँ, हिसाब किताब सही तरीके से लिखना। तुम्हें क्या लगता है राहुल, मैं हिसाब किताब सही तरीके से नहीं लिखता? मैं जिससे भी जिस काम में पार्टनरशिप करता हूँ उसका हिसाब किताब बहुत बढ़िया तरीके से लिखता हूँ। अब तुमने मेरे साथ जेवर की ज्वेलरी की दुकान खोली, देखना कितना फायदा होता है। और मैं तुम्हें राज की बात बताऊं, किसी को बताना मत, रोड पर दुकान इसलिए खोलिए, इस रोड पर बहुत से बड़े बड़े लोग अपनी कार से गुजरती हैं, वो अंदर शहर में कस्बे में नहीं पहुंच पाते, भीड़ भाड़ में नहीं पहुंच पाती, वो यहीं पे अपनों से ज्वेलरी खरीद लेंगे रोड पर। अरे योगी जी आ गई, ये कुछ खरीदेंगे लगता है अब। अरे मोदी जी सोना है। अरे योगी जी अगर सोना है, मेरा ऑटो रिक्शा है जिसमें मैं ये ज्वेलरी भर के लाया था, उसमें जाके सो जाओ। अरे मोदी जी कैसी मजाक करते हो, मेरा कहने का ये मतलब है ये सोना है, पीतल तो नहीं है, ये तुम्हारे जेवर जो रखे हुए हैं सोने के हैं या पीतल के हैं, ये बताओ, ये पूछ रहा हूँ मैं। योगी जी तुमने 24 कैरेट सोने का तो नाम सुना होगा, ये पूरे 48 कैरेट सोना है, 24 कैरेट से डबल। सोच रहा हूँ ये 50 तोला की चेन ले लूँ गले में पहनने के लिए, सोने की, कितने की पड़ जाएगी 50 तोले की चेन? अरे योगी जी आपसे सौदाबाजी थोड़ी करेंगे, जो पैसे हो दे देना। लो मेरी जेब में 10 का नोट पड़ा है, 50 तोले की चेन दे दो। अरे कैसी मजाक करते हो योगी जी, 50 तोले की चैन 10 रुपए में लोगे? अरे अभी राहुल ने ही तो बोला कि जो पैसे हो दे जाओ, मैं 10 का नोट दे रहा हूँ। अरे अखिलेश सर जी आ गए। अरे मोदी जी ये इतने महंगे महंगे जेवरों की दुकान रोड पे लगा रखी है, कोई लूट लाट के ले गया तो? अरे अखिलेश सर जी ऐसे कैसे लूट के ले जाएगा, ये मेरे हाथ में डंडा नहीं है, डंडा लेके बैठता हूँ। अरे तुमने रोड पर इतना जेवर रखा हुआ है, ऊपर से तुम्हारा ऑटो रिक्शा भी सोने से फुल है, बा मोदी जी तुमने तो गजब कर दिया। अच्छा ये बताओ, जो ऑटो रिक्शा पे हार रखा हुआ है वो कितने का पड़ेगा? सोच रहा हूँ घर के लिए ले लूँ। अगले सर जी तुम्हें तो सस्ता ही लगा देंगे, बिल्कुल सस्ते दाम में, खरीद लो। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।